डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। देखिए, मैं ऑब्जेक्टिव सीरीज में ये जो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव डाला, अब मैं एक ऐसा चैप्टर डाल रहा हूं बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट क्लास का, जो 50 मार्क्स और 100 मार्क्स दोनों इंग्लिश में है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 50 और 100 मार्क्स दोनों के लिए, तो इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, द सोल्जर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। द सोल्जर जो है वो एक एग्जाम्पल है, बताइए क्या इसका, सोनेट का, प्रोज का या एलेजी का, क्या होगा? कर लिए? चलिए, तो सही आंसर क्या होगा, सोनेट। नेक्स्ट, रिचर डस्ट रेफर्स टू। रिचर डस्ट जो है वो रेफर करता है, प्रकट करता है इन्वायरमेंट को, द सोल्जर्स बॉडी, इंग्लैंड या नन ऑफ दीज, क्या होगा? रिचर्ड डस्ट यहां पे एक कवि जो है अपने बॉडी को कह रहे हैं, तो सही आंसर क्या होगा, सोल्जर्स बॉडी। क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ मेनी टाइम्स द पोएट यूज इंग्लैंड इन द पोएम। कविता में रूपर्ट ब्रूक जो कवि है वो कितनी बार इंग्लैंड का प्रयोग किए? टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, सिक्स टाइम्स, सेवन टाइम, कितनी बार? चलिए, सही आंसर होगा टू टाइम्स। द वैल्यूएबल डस्ट ऑफ द पोएट्स बॉडी इज द डस्ट ऑफ। जो बहुमूल्य डस्ट है, डस्ट मतलब क्या बोले, कवि का जो शरीर है उसको कवि ने डस्ट कहा है, तो पोएट के शरीर का वो डस्ट कहां का है? इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, बोलिए, कर लिए? हाँ, तो आंसर मैच कर लीजिएगा, वो कहां का है, इंग्लैंड का। आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, वर्चूज ऑफ ए ट्रू सोल्जर हैज बीन डिपिक्टेड बाय। एक सच्चे सैनिक की सदगुण, वर्चू का डिपिक्ट किया गया, चित्रण किया गया है किनके द्वारा? एडवर्ड थॉमस, वर्ड्सवर्थ, रूपर्ट ब्रूक या इनमें से कोई, नन ऑफ दीज। सही आंसर रूपर्ट ब्रूक। ए पास इन द इटर्नल माइंड हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। ए पास इन द इटर्नल माइंड ये कौन सी कविता से लिया गया है? इफ द डैफोडिल्स, द सोल्जर, एवरीवन सेइंग, क्या होगा? कर लेना आंसर, मैच कर लीजिएगा, द सोल्जर। रूपर्ट ब्रूक इज फेमस एज ए, रूपर्ट ब्रूक जो है वो फेमस है किनके रूप में? लव पोएट, वार पोएट, नेचर पोएट या डिडैक्टिक पोएट। देखिए, यदि इसमें आपका आंसर होता पैट्रियोटिक पोएट तो पैट्रियोटिक पोएट मारते, लेकिन यहां पैट्रियोटिक पोएट नहीं है, तो ये जो कविता वार से संबंधित है, अतः हम टिक आउट कर सकते हैं कि इसको, वार पोएट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिच अर्थ वेयर द सोल्जर डाइज ही कंसील्ड ऑफ। वह समृद्ध धरती जहां सैनिक यानी रूपर्ट ब्रूक क्या किए जाएंगे, दफन किए जाएंगे, ही कंसील्ड ऑफ, वो जहां पे दफन की यानी कंसील छुपे हुए हैं, बताइए वो क्या होगा, ग्रास, फ्लावर या डस्ट? कविता के हिसाब से आपका आंसर देना है। तो काव्य में कवि ने अपने शरीर को क्या कहा है, ग्रास नहीं, क्या, डस्ट, तो डस्ट होगा। हु रोट द पोएम द लेक द सोल्जर। सोल्जर कविता को किसने लिखा है? एडवर्ड थॉमस, रूपर्ट ब्रूक, डब्ल्यू बीट्स या डब्ल्यू बी वर्ड्सवर्थ, क्या होगा सही आंसर? कर लिए, सही आंसर क्या होगा, रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक हैज रिटन द पोएम। उसी क्वेश्चन को देखिए दूसरे ढंग से पूछा गया है, रूपर्ट ब्रूक ने कौन सी कविता लिखा है, द डैफोडिल्स, एडर स्टॉप, द सोल्जर या एवरीवन सेइंग, क्या होगा? द सोल्जर। आप करते हैं ना क्विकली, द पोएम द सोल्जर इज ए पोएम, सोल्जर जो है क्या है, लव पोएम,
पैट्रियोटिक पोएम, रोमांटिक पोएम या नन ऑफ दीज, कौन सा ऑप्शन होगा? अभी मैं थोड़ा देर पहले चर्चा कर रहा था, तो आप कर लिए होंगे आंसर, मैच कर लीजिएगा। पैट्रियोटिक पोएट, देशभक्ति वाली कविता है ये पोएम है। द पोएट रूपर्ट ब्रूक वॉज बॉर्न इन, कवि रूपर्ट ब्रूक जो है उनका जन्म हुआ कहां? इंग्लैंड, अमेरिका, इंडिया, फ्रांस। तो वो एक इंग्लिश सोल्जर थे, तो बताइए इंग्लैंड का सोल्जर था अर्थात उनका जन्म कहां हुआ? इंग्लैंड। आगे क्वेश्चन है, रूपर्ट ब्रूक टुक एक्टिव पार्ट इन, रूपर्ट ब्रूक जो है वो सक्रिय रहे थे कौन सा विश्व युद्ध में? द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द सेकेंड वर्ल्ड वार, द वार ऑफ पानीपत, नन ऑफ देम, क्या होगा? तो पता ही 1915 में मर चुके हैं, तो सेकेंड वर्ल्ड वार होगा ही नहीं, तो सही ऑप्शन क्या होगा? ए। द पोएम द सोल्जर शोज द पोएट्स डिप्लोमा फॉर, द कविता सोल्जर जो है वो कवि के अगाध प्रेम को बता रहे हैं, गहरा प्रेम बता रहे हैं, बताइए किससे? हिज फैमिली अपने परिवार से, हिज मदरलैंड अपनी मातृभूमि से, हिज ऑन वो खुद से, या नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा सही आंसर? कर लिए ना? हाँ, मैच कर लीजिएगा। सही ऑप्शन हिज मदरलैंड। इन द सोनिट, ये जो सोल्जर कविता है वो 14 लाइन की कविता, इसलिए सोनिट है ना। द पोएट डिस्क्राइब द फीलिंग ऑफ एन, कवि जो है डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं किसका? इंडियन सोल्जर, अमेरिकन सोल्जर, इंग्लिश सोल्जर या आयरिश सोल्जर, बताइए। तो ये इंग्लैंड के हैं, अतः इंग्लिश सोल्जर की चर्चा कर रहे हैं। रूपर्ट ब्रूक वांट्स टू डाई इन, रूपर्ट ब्रूक मरना चाहते हैं, बताइए कहां? बैटलफील्ड युद्ध भूमि में, प्लेग्राउंड खेल के मैदान में, या हॉस्पिटल में, कहां जी? आप तो आंसर कर चुके हो, मैच कर लीजिएगा। बैटलफील्ड। इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी इज लाइन टेकन फ्रॉम द पोएम, अगर मैं मर जाऊं तो बताइए, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, ये लाइन कौन सी कविता से लिया गया? एवरीवन सैंग, द लेक इज लव फिनिश, इफ, द सोल्जर, क्या होगा सही आंसर? सोल्जर। ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि ये वीडियो जो है आपके दोस्तों तक पहुंच सके और कोई भी इससे अछूता नहीं रहे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आप सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि सीधे आप तक, यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल बटन को दबाना नहीं भूलिएगा, बेल बटन दबाने से नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आप तक सीधा चला जाएगा, सबसे पहले चला जाएगा। इसलिए थोड़ा आप लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से आप मेरा सपोर्ट करते रहिए और मैं वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा। तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।